ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? हेलो यस सर। ये आई है कि बंद है? हेलो, हेल्प आता है भाई, कसम बंदा है। इनको क्या गए यार, सिक्योरिटी कोड तो ऐसे दिया हुआ ना बंदा, कुछ पता नहीं कितना कुछ है भी अंदर, चीजें पड़ी हैं कि वो कहीं आगे पीछे ना हो। क्या ट्रैफिक लाइट कौन सी है, बस कौन सी है यार, क्या बनेगा वहां का? हेलो, कल मैंने एनजीओ का लेक्चर इसी के तरफ हो गया, ये क्या सीन हो गया है। जो स्क्रीन नजर आ रही है, यस सर आ रही है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम फिजिक्स पढ़ी थी, ठीक है, गैस फिल्ड डिटेक्टर्स की और साथ ही सॉलिड फिल्ड डिटेक्टर्स की, ठीक है। गैस फिल्ड डिटेक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है? आयनाइजेशन डिटेक्टर्स, जीएम काउंटर्स और डोज कैलिब्रेटर्स, ठीक है। आयनाइजेशन डिटेक्टर क्या होता है? वही गैस के अंदर रेडिएशन आती है ट्रांसड्यूसर के थ्रू, ठीक है, वहां पे आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है और वो आगे लगे सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपको रेडिएशन की इंटेंसिटी बताता है कि कितनी है। द आयनाइजेशन चेंबर इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल गैस फिल्ड डिटेक्टर्स एंड इज वाइडली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स। Conventionally, the term ionization chamber is used exclusively to describe those detectors which collect all the charges created by direct ionization. वो ही जो सारा हमने principle last lecture में पढ़ लिया हो, ठीक है? कुछ इस तरह का ionization detector आपका होता है, ठीक है? हाथ में पकड़ सकते हो, आप इसको कहीं पे रख सकते हो, ठीक है? इस तरह का होता है, ठीक है? जिसके नीचे बना हुआ है ना हैंडल, इसमें हाथ में पकड़ के किसी एक जगह पे आप रख के हूँ मैयर कर सकते हो, ठीक है? वो अगर साइंस फिक्शन मूवी देखने का शौक हो किसी को, या फिर ये जो आपका ये रात का शो करते हैं कब्रिस्तानों में जाके, तो वो यहाँ पर कुछ चीज है, उनके पास डिवाइसेज होती है ना, वो कुछ इस तरह की डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या नाम है, हीट को मेजर कर रही होती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या नाम है, कोई भी लिविंग थिंग होती है ना, ठीक है, और मैंने जैसे कि क्या नाम है, कुरान में भी जिन्नों को आग से बनाया गया, तो वो तो वैसे ही बहुत हीट होती है, ठीक है। तो वो हीट को मेजर कर रहा होता है, या वो जो कैमरास होते हैं ना, वो हीट सेंसिटिव गामा कैमरास होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हीटेड एरिया होता है ना, अगर नेशनल ज्योग्राफिक कभी देखने का शौक हो तो वो रात के टाइम जो है ना, अगर एनिमल्स को उन्होंने देखना हो ना कि कहाँ पे है लाइन से जो भी है, तो
तो वो गामा कैमरास यूज करते हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है, वो गुजरते हुए नजर आ रहे होते हैं। जिस बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो ज्यादा है हार्ट लिवर, वो रेड रेड होते हैं, बाकी पूरा जो एनिमल है वो ग्रीन से कलर में नजर आ रहा है। सिमिलरली ये भी कुछ उसी तरह के होते हैं, ठीक है, जहां पर रेडिएशन होती है रेडिएशन इनके ऊपर फॉल करती है, फिर आप रीडिंग देखते हैं कि इस जगह पे कितनी रीडिंग आ रही है रेडिएशन। उसके बाद जीएम काउंटर, द गीगर मूल काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन। इट डिटेक्ट्स आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा, गामा यूजिंग द आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस इन द गीगर मूल ट्यूब। इट इज परहैप्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन रेडिएशन डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आयनाइजेशन चैंबर्स जो है ना बहुत ही पुराने, वो बिल्कुल यूज नहीं होते, ठीक है। जीएम काउंटर्स पे भी यूज कर लिए जाते हैं सर्वे के लिए, किसी जगह पे आपने मेजर करना है, जगह कहता हूं यार ये जो एमडी पीछे जगह है ना यहां पे कोई रेडिएशन का सोर्स है मुझे मेजर करना है, तो आई विल यूज द जीएम काउंटर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वही आयनाइजेशन वाला के ट्रांसड्यूसर है जीएम काउंटर का, उसको आपने अपनी डिजायर्ड प्लेस की तरफ फेसिंग उसका उस तरफ किया, रेडिएशन फॉल की, आयनाइजेशन हुई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ और फिर आगे प्रोसेस हो गया आपको एनर्जी की फॉर्म में, उसने बताया कि इतने केईवी की रेडिएशन यहाँ पे मौजूद है। कुछ इस तरह का जीएम काउंटर होता है, ये देखो इसकी एनालॉग रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, और जो नए आ गए हैं ये है क्या की, इसको आप उतार के ऐसे पकड़ के जो आप लोग पता नहीं कभी जाके देखोगे या नहीं, जो हमने उधर सिनेमा में देखे थे ना वो तो सारे डिजिटल हैं, ये हाथ हाथ जितने हैं ऐसे ही हाथ बीम करके पकड़ो, ठीक है, उनके सामने की तरफ ट्रांसमिशन अंदर ही फिट है, ऐसे अलग से सेपरेट नहीं है, ठीक है, वैसे ही डिजिटल रीडिंग आती है जिस तरफ भी करो, ठीक है। ताकि आपने सामने बॉयल रखी है, बॉयल किस तरफ रखोगे ना तो वो क्या नाना उसमें रेडिएशन फिट हो रही है, उसमें से कहीं रीडिंग आ रही है। A Giger Müller counter detector configuration allows different detector probes to be used for different applications. An end-window GM counter is useful for general purpose surveys. GM Giger Müller detectors and ionization chambers must be calibrated on annual basis. Calibration कैसे करते हैं, ठीक है? आपने 1 millicurie का source, ठीक है, मेजर करके रखा, GM counter को उसके आगे रखा, उसमें से जितनी radiation, जितनी energy की निकली, आपने software के अंदर चल रही है, वो उसको develop कर रहा है बंदा। उसके सॉफ्टवेयर इंसर्ट करते हैं कि अगर टेक्नीशियम का, ठीक है, 1 मिलीक्यूरी होगा तो उसमें से इतनी एनर्जी की रेडिएशन आएगी, ठीक है। अब वो चाहे 20 मिलीक्यूरी आप रख दो तो वो उसको मल्टीप्लाई करके स्ट्रक्चर के साथ तो वो आपको बता देगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये वाला डिटेक्टर ठीक है नहीं, अब एक लेयर में डेडिकेटेड से लोगे 1 मिलीक्यूरी की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, अगर दो तीनों की सेम आ रही है इट मींस तीनों ठीक है, अगर दो की सेम आ रही है और एक की ऊपर नीचे इट मींस उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, इस तरह करके डिटेक्टर को कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक हो गया। ऑनलाइन वालों समझ आ रही है, ऑनलाइन वालों यस सर बाकी सारे सो रहे हैं, और ये मुझे बताओ ना क्या मसला आप सबके साथ, आप कैंपस पे क्यों नहीं आ रहे, आप लोगों ने एग्जाम्स नहीं देने, आपको पता है 23 हो गई है, 5 को आपका मिड टर्म है, इंस्टिट्यूट पीपल आर रिलक्टेंट टू कम टू कैंपस, सामने हॉस्टल में बैठे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, आप लोग समझते हो, मुझे पता नहीं है, सब पता है, एग्जाम के अंदर कोई लीनियंसी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं 48 पे फेल तो फेल, बात खत्म, बात में मुझे ना कहना कि सर आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, हाफ सेशन गुजर चुका, मैं कह के थक गया हूं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स, ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि गीगर मूलर डिटेक्टर्स द फंक्शन ऑफ दोस डिवाइसेस मस्ट बी चेक बिफोर ईच यूज प्रेफरेबली बाय यूजिंग ए चेक सोर्स परमानेंटली माउंटेड ऑन द साइड ऑफ द मीटर, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि एक उन्होंने सोर्स रखा होता है, ठीक है, उसके अंदर रेडिएशन का सॉलिड फॉर्म है ना, एंटी लाइट,
कोई इस तरह करके कुछ सोर्स उन्होंने रखा होता है, ठीक है, जो ऑल द टाइम सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपने हर यूज से पहले यार अच्छा मैंने इसको लेके जाना है, तो आपने इसको चेक करना है कि इज इट ओके, तो आप उसको सोर्स की तरफ से ट्रांसड्यूसर करके उसके एडिशन अगर वो प्रॉपर आ रही है या वहां मैंने सोर्स रखा हुआ आपको पता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, यू कैन टेक इट। ये सर इसके बाद आता जी डोज के लेटर। अभी जीएम कॉन्ट्रोल वगैरह तो हो गया ना, इधर उधर के सर्वे करने के लिए, अब आपने जो डोज पेशेंट को इंजेक्ट करनी है वो डोज मेजर करके करनी है। तो जी फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे का हमने बोन स्कैन करना है तो उसको हमें 20 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो 20 मिलीग्राम आपको 5 ml सलाइन के अंदर मिले, 10 ml के अंदर मिले, वो अलग बात है, ठीक है। आपको कितना चाहिए? 20 मिलीग्राम। आपने जनरेटर से इल्यूट लिया, ठीक है, इल्यूट अब आपको मिला है 20 ml, ठीक है। अब यू डोंट नो कि हाउ मच रेडियोएक्टिविटी इज प्रेजेंट इन 20 ml, आपको कैसे पता चलेगा कि जी इसके अंदर कितनी रेडियोएक्टिविटी है? आप उसको डोज कैलकुलेट करते हैं। डोज कैलकुलेटर इज आल्सो ए आयनाइजेशन गैस डिटेक्टर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है। ये जो है ना ये कुआं सा बना होता है, ठीक है, इनसाइड एम्प्टी और साइड्स पे सारी वॉल्स होती हैं और ऊपर ये लेड कैप होता है, ठीक है, और ये अटैच होता है इस क्या नाम है स्क्रीन के साथ, डिजिटल स्क्रीन के साथ, जो आपको बताती है ना कितनी रेडियोएक्टिविटी मौजूद है। वो कहता है डोज कैलिब्रेटर्स आर जनरली सिलिंड्रिकली शेप्ड आयनाइजेशन चैंबर्स फिल्ड विद ए रेयर गैस सच एज आर्गन एट हायर टेंपरेचर 20 एटमॉस्फेयर्स और हायर प्रेशर्स 20 एटमॉस्फेयर्स। High pressure increases the density of the gas, which increases the intrinsic efficiency of the ionization chamber. Intrinsic efficiency ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या था मलाइका जरा बताना मुझे। माशाल्लाह। Incident over detected. Incident over detected ही है। अगर मेरा दिमाग इतना खाली नहीं है आपकी तरह तो मेरे हिसाब से ही है, क्योंकि एब्सोल्यूट मुझे अच्छी तरह याद है, एब्सोल्यूट था एमिटेड बाय डिटेक्टेड, फिर इंट्रिंसिक था इंसिडेंट बाय डिटेक्टेड, और जो फिर ज्योमेट्रिक था वो था एमिटेड और क्या था वो फर्जी वैल्यू थी। हाँ ना, अंदर निकाल लिया सही दस यार वो पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे क्या नाम मेल भी की थी, जब वो एक स्लाइड लिखी हुई है ना जिसमें वो मैंने सिर्फ रिपीटेशन भी इकट्ठा मिला के लिख दिया, तो वो ऊपर नीचे हो गया, तो हम ऊपर नीचे आप बता देना डेफिनेशन वाला ठीक वो मैंने जब लिखा है ना मैंने इस बात को नोट ही नहीं किया। हाँ कोई 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 बंदा था किसने मेल किया था कि सर उसने भी यही क्वेश्चन पूछा था ना, वो ऐसे ऐसे करके सिर्फ स्लाइड के अंदर, तो मैंने उसको बोला कि ना वो डेफिनेशन वाला ठीक है। हाँ वो बाकी दोनों वाले भी ठीक ही हैं, क्या लेकिन जो सिर्फ एब्सोल्यूट क्या है ना वो ऊपर नीचे हो गया कि डिटेक्टेड ऊपर जाना था और एमिटेड नीचे आना था, बस ये इतना सा डिफरेंस है। तो सर एब्सोल्यूट का डिटेक्टेड बाय एमिटेड होगा ना? बाजी लेक्चर में देख लेना जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना वैसे करना, ठीक है, समझ आ गई है? जी सर सारा ओके। अच्छा वो कहता है a set of pre-calibrated function buttons allows the user to quickly select the different isotope settings। अब जो डोज कैलकुलेटर है ना उसके अंदर आप क्या टेक्नीशियन की रिलेटिविटी के इसके लिए क्या टेक्नीशियन कितना है, इसके लिमिट के अंदर वॉलेडर कितना है, इसके लिमिट के अंदर थेलियम कितना है, इसके लिमिट के अंदर गैलियम कितना है, कुछ भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? आपके डोज कैलिब्रेटर की स्क्रीन होती है, कल स्क्रीन होती है उसके ऊपर ना जैसे क्या जो आपके मोबाइल फोन जैसे ऐप्स होते हैं इसी तरह सेटिंग्स होती है, टेक्नीशियम बटन बन जाते हैं, टेक्नीशियम वॉलेडर लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में टी सी एम ओ टी एल, ठीक है, जी ए, जिसको प्रेस करोगे उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी जब वो बना था सॉफ्टवेयर के अंदर जो डालेगी ना ये 540 केवी की रेडिएशन एमिट करता है,
ठीक है, तो डोज के लिए बेटर मिलेगा करेंगे कि 540 की कितनी रेडिएशन मुझे मिली है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि 540 की कितने मिली क्यूरी प्रेजेंट है स्क्रीन पर, ठीक है। ये आपकी स्कीमेटिक डायग्राम है डोज कैलकुलेटर, ये आपको अब क्या होता है यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। सिस्टम के अंदर ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल किया गया कि 1 मिलीमीटर ऑफ टेक्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 एम्पीयर, ठीक है। सिस्टम के अंदर उस बंदे ने जब बनाया था उसने ये फीड किया था कि 1 मिली ऑफ टेक्नीशियम से कितना प्रोड्यूस होता है 2 मिलीमीटर या 2 एम्पीयर, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपने रखा बॉयल इसके अंदर था 10 मिली क्यूबिक, ठीक है। अब उससे 10 मिली क्यूबिक आपको कैसे पता चलेगा, 2 एम्पीयर प्रोड्यूस हुआ 1 मिली क्यूबिक से, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, ठीक है। अगर 20 मिली एम्पीयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करेगा उस फैक्टर के साथ कि 1 मिली से इतना प्रोड्यूस हुआ था तो मेरे पास 20 मिली एम्पीयर आ रहा है, इट मींस कि इसके अंदर कितनी 10 मिली क्यूबिक ऑफ टेक्नीशियम मौजूद है, और फिर 10 मिली क्यूबिक शो होता है। समझ आ गई ऑनलाइन वालों, समझ आ गई है सर? ये दोबारा बता दें, आपकी वॉइस शायद दूर है तो आपकी बहुत दूर से आवाज आ रही है। बाजी देखो, आपने इल्यूड निकाला जनरेटर में से, ठीक है, वो आपके पास निकला है 10 ml, ठीक है, जो सलाइन आपके पास आया ना बॉयल के अंदर वो है 10 ml, इस बॉयल के अंदर फॉर एग्जांपल 10 ml सलाइन था आपके पास। अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी रेडियो एक्टिविटी मौजूद है टेक्नीशियम की, आपने कैलिब्रेटर के ऊपर प्रेस किया बटन टेक्नीशियम और इस बॉयल को रख दिया डिटेक्टर के अंदर और ऊपर इसके रख दिया कि लेड क्या है, ठीक है। अब जब डिटेक्टर डोज कैलिब्रेटर मैन्युफैक्चरर ने बनाया था ना, उस टाइम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उस टाइम उसने 1 मिली क्यूरी टेक्नीशियम का मेजर किया कि वो 2 मिली एम्पीयर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसने सिस्टम में फीड कर दिया कि जब टेक्नीशियम का 1 मिली क्यूरी का सैंपल रखा जाएगा ना तो उससे 2 मिली एम्पीयर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उससे जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड टेल द वैल्यूज, ठीक है। अब इस बॉयल के अंदर मैं कहता हूँ कि 10 ml था, ठीक है। अब टेक्नीशियन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सिस्टम कैलिब्रेटर ने डिटेक्ट किया 20 मिली एम्पीयर करंट। अब वो रिकॉल करेगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर के 2 मिली एम्पीयर 1 मिली क्यूरी से प्रोड्यूस होना था, ठीक है, तो 20 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस कि कितना होगा, वो 2 को मल्टीप्लाई करेगा 10 से, ठीक है, तो 20 मिली एम्पीयर आ जाएगा, इट मींस कि 10 मिली क्यूरी इस टाइम आपके पास 10 ml के अंदर मौजूद है टेक्नीशियम की रेडियो एक्टिविटी। अब समझ आ गया? यस सर। किसी को समझ ना आया हो अभी भी? सर इसका मतलब कि 20 मिली एम्पीयर करंट प्रोड्यूस होगा। बेटे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। सर जिस तरह आपने बताया इसका मतलब कि 20 हमारे पास मिली एम्पीयर करंट प्रोड्यूस होगा। हाँ बेटे, जितनी रेडियो एक्टिविटी होगी ना, ये मैंने एग्जांपल दिया कि 2 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस होता है, ये फर्जी बात है सिर्फ, ठीक है, एग्जांपल देने के लिए यूज कर रहा हूँ कि 2 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस होता है आप लोगों को समझाने के लिए। आई डोंट नो कि 1 मिली क्यूरी ऑफ टेक्नीशियम प्रोड्यूसेस हाउ मच करंट इन डोज कैलकुलेटर, ठीक है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है कि अगर हम फर्ज कर लें कि जब मैन्युफैक्चरर ने जिसने डोज कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किया तो उसने सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग करनी थी तो उसने मेजर किया कि 1 मिली क्यूरी से 2 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसने सॉफ्टवेयर में सेटिंग कर दी कि टेक्नीशियम का 1 मिली क्यूरी प्रोड्यूस करेगा 2 मिली एम्पीयर, ठीक है। अब आपने अननोन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी रखी उसके अंदर डोज कैलिब्रेटर में, उसने करंट प्रोड्यूस किया आयनाइजेशन के थ्रू, अब वो करंट 20 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस हुआ तो वो उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको बताएगा कि कितनी रेडियोएक्टिविटी मौजूद है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 2 था अगर तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 20 मिली एम्पीयर बन जाएगा, इट मींस वो आपको बता देगा कि इसके अंदर 10 मिली क्यूरी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एग्जांपलरी वैल्यूज यूज कर रहा हूं, आई डोंट नो व्हाट आर द परफेक्ट वैल्यूज फॉर दिस, ठीक है। पढ़ा बेटे, समझ आ गई है? जी जी सर, आ गई है। अच्छा ये हो गया,
प्रिंसिपल कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? वही आयनाइजेशन वाला प्रिंसिपल कि आपने रेडियोएक्टिविटी रखी, साइड्स पे आर्गन गैस थी, उसके अंदर आयनाइजेशन हुई, उससे करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट को उसने फिर क्या नाम है, सात वाली क्लास से बात आ रही है, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट को उसने मल्टीप्लाई किया फैक्टर्स के साथ, उसको फिर क्या नाम है इंटरप्रेट करके उसने आपको मिली क्यूरीज के अंदर आपकी रेडियोएक्टिविटी स्क्रीन पे शो करवा दी, ठीक है। कैलिब्रेशन Before ionization chamber can be used as a dose calibrator, it needs to be calibrated for the desired radiant heights, ठीक है? जैसे technician के लिए मैंने आपको बताया, इसी तरह हर radioisotope के लिए जो भी आपने measure करना है, either it's molybdenum, gallium, chromium, thallium, indium, whatever you wanna use, you are going to use in the labs, सबके लिए इसी तरह एक-एक millicurie का एक multiplication factor रखा जाता है कि इसके 1 millicurie से इतना produce होगा current, इसके 1 millicurie से इतना produce होगा, इसके 1 millicurie से इतना produce होगा। उसके बाद अगर आपने setting रखी हुई है gallium पे, ठीक है, और measure आप technician की radioactivity कर रहे हैं, वो जरूर measure करके देगा आपको radioactivity, लेकिन उसकी amount accurate नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह molybdenum की setting पे अगर आप technician measure कर रहे हो तो measure जरूर करेगा लेकिन उसकी अमाउंट वो सही नहीं बताएगा आपको, ठीक है। अब अगर आपने टेक्नीशियम जो है इल्यूट के अंदर टेक्नीशियम भी मौजूद है, मॉलिब्डेनम भी मौजूद है एज ए इम्प्योरिटी, ठीक है, ये पेरेंट ब्रेक थ्रू। अब आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिब्डेनम की रेडियोएक्टिविटी मेजर करूं कि कितनी है, जो मैंने बताया था उसकी थोड़ी सी रेंज अलाउड होती है, वो पता करने के लिए आपने उसको मेजर करना है। अब आप जब उसको मेजर करना चाहते हो ना, आपने क्या करना है, जो ये आपका डोज कैलिब्रेटर है ना, ठीक है, इसके ये साइड्स पे तो लाइट शील्डिंग होती है, ठीक है, लेकिन ये जो ये वाली खाली स्पेस है ना वॉयल के साइड्स पे, इसके साइड्स पे ना आप लाइट की ऐसी शील्डिंग रखते हो जो टेक्नीशियम की रेडियो एक्टिव जो रेज है गामा रेज उनको ब्लॉक करे, लाइक 140 केवी तक की जो रेज को ब्लॉक कर दे। मॉलिब्डेनम की होती है आई थिंक सो 500 की रेंज में समथिंग, ठीक है, तो उनको वो पास आउट होने देगा, ठीक है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसी वॉयल के साइड्स पे ये जो ये वाली साइड है एम्प्टी, यहाँ पे हम एक लेड की कवरिंग रख देंगे, उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि वो 140 to 170 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है, और जो उससे हाईर है ना, जो कि मॉलिब्डेनम की होगी, क्योंकि आपने क्या नाम है जनरेटर से मॉलिब्डेनम से टेक्नीशियन प्रोड्यूस किया, तो और भी इंप्योरिटी आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, जो कि सिर्फ मॉलिब्डेनम की होगी, फिर वो रेडिएशन जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी तो वो आपको मॉलिब्डेनम की बताएगी वैल्यू के इसके अंदर इतनी मॉलिब्डेनम की रेडियोएक्टिविटी मौजूद है, ठीक हो गया, बात समझ आ गई है, सबको समझ आ गया? तारा? यस सर। यस सर। उसके बाद वो कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टू इंश्योर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ डोज कैलिब्रेटर, इट्स लिनियरिटी दैट इज द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियोएक्टिविटी फॉर अ गिवन रेडियोन्यूक्लाइड एंड एक्यूरेसी शुड बी मेजर ईयरली, ठीक है, जैसे कि हमने उसको मेजर किया था एनुअली कैलिब्रेट करते थे, ठीक है, तीन डिटेक्टर्स को रख के, सिमिलरली एक मिली क्यूरी से क्या सेम अमाउंट ऑफ करंट तीन चार डोज के लिटर में सेम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो एक्यूरेट बताया जा रहा है, देन इट मींस के सारे ठीक है, अगर किसी का ऊपर नीचे हो रहा है तो इट मींस के वो डिटेक्टर खराब हो चुका हुआ है या उसको क्या नाम दोबारा से कुछ चेंजेस की जरूरत है, ठीक हो गया। एक्यूरेसी शुड बी बेटर देन 10%, ठीक है, जो भी वैल्यू स्टार डिटेक्टर्स में आ रही है ना 10% है उसके अंदर अप एंड डाउन वेरिएशन इज कंसिडरेबल के, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, 10% से जैसे ही ज्यादा जाएगी इट मींस के वो डिटेक्टर नहीं सही काम कर रहा। The measured radioactivity should not vary more than 10% from the radioactivity of the standard source corrected for the decay. ठीक है, वही जो values यानी कि एक सही detector आपको पता है कि यार ये वाला detector सही है, उससे measure करके फिर बाकी सब में measure की, तो 10% से ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए। Molybdenum breakthrough measure करने का मैंने सारा आपको भी तरीका बता दिया है कि वॉयल को आप लेड शील्डिंग से कवर कर दोगे जिससे 140 keV की एनर्जी की जो गामा रेज है टेक्नीशियन वाली अब्सॉर्ब हो जाए, उससे हायर वाली जब आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे इट मींस कि आपके पास मॉलिब्डेनम की इतनी इतनी अमाउंट है। कितनी अमाउंट होनी चाहिए मॉलिब्डेनम की, ये देखो मॉलिब्डेनम की 740 to 778 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, मच मच हायर देन टेक्नीशियन, ठीक है।
किसी को पता है कि मॉलिब्डेनम की कितनी वैल्यू अलाउड है 1 मिलीपीरियड सस्पेंशन के अंदर? क्या उसका यूनिट 1 मिलीक्यूरी के अंदर 0.15 माइक्रोक्यूरीज ऑफ मॉलिब्डेनम इंप्योरिटी इज अलाउड अलाउएबल यूनिट, ठीक है? इसी तरह अगर आपका मैं कहूं 6 मिलीक्यूरीज में कितना होगा? ठीक है, जो भी बनेगा ओके हो गया। बच्चों किसी को कुछ समझ ना आया हो? ऑनलाइन वालों आप लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को कुछ समझ ना आया हो? ऑनलाइन वालों किसी को कोई इश्यू? नो सर, नो सर।